दिल्ली के नागनोई इलाके में मुहर्रम के जुलूस को लेकर जमकर बवाल हुआ। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस का रूट अचानक बदल दिया गया और जब रोकने की कोशिश की गई तो उपद्रवी हिंसक हो गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उपद्रवी पथराव करते रहे। कई आरोपी तलवार लहराते रहे। किसी ने पुलिस पर हमला किया तो भीड़ ने डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ की। कई अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली के नागलोई इलाके से आई ये तस्वीरें एक दिन पहले की है। मुहर्रम के मौके पर निकले जुलूस के दौरान शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। इस पथराव और तलवारबाजी में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, कई राहगीर भी पथराव से घायल हुए। नागलोई इलाके में महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जुलूस का जो रूट तय किया गया था वो अचानक बदल दिया गया। उसे जब रोका गया तो जुलूस में शामिल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उस वक्त सड़क पर जबरदस्त भीड़ थी, सड़कों पर आवाजाही हो रही थी। पथराव शुरू होते ही भगदड़ मच गई। कई बसों पर भी उपद्रवियों ने पत्थर मारे। डीटीसी की बसों में बैठे यात्री भी इस पथराव से सहम गए। गाड़ी किस तरह रोकी मन भाई? भाई थोड़ा पीछे, भाई थोड़ा पीछे, हल्का पीछे, मेरे देखो पीछे हो जा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने तलवार के अलावा चाकू, लोहे के रॉड, डंडे आदि भी लिए हुए थे। उन्हीं से उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया। भीड़ में शामिल एक आरोपी ने एसआई पर चाकू से अटैक कर दिया। नागलोई हिंसा के वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इसमें दंगा भड़काने और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो इलाका है, देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस की फिलहाल गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इस तरह के जो पत्थर थे, इस तरह के जो पत्थर है वो भीड़ की तरफ से चलाए गए, जिसके बाद जो पुलिस थी वो चूंकि यहाँ आसपास सिविलियंस काफी संख्या में गुजर रहे थे, उनको बचाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, भीड़ को खदेड़ा। हालांकि भीड़ उसके बाद भी पत्थरबाजी करती रही। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जो चिंताजनक है, जिसमें जो भीड़ है वो तलवार लहराती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि भीड़ को पुलिस ने काबू किया, खदेड़ दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है वो लीगल एक्शन ले रही है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।